एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट केक। इसे बनाने के लिए ना ही हमें किसी ओवन की ज़रूरत है, ना ही किसी केक मोल्ड की। हम इसे कटोरी में बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसे बनाने में लगेंगे। बच्चों का सुपर फेवरेट केक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने लिया है ओरियो बिस्किट का 10 रुपये वाला पैकेट। आप चाहो तो कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हो। बिस्किट को मैंने डाल लिया है पीसने के लिए। इसको क्रीम समेत ही मैंने डाला है, क्रीम नहीं निकाली है इसकी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटा कप दूध। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। एक साथ अगर हम सारा दूध डाल देंगे तो हो सकता है जो बैटर तैयार हो वो पतला हो जाए। बिस्किट पीस के रेडी कर लिया है मैंने। ये देखिए बैटर तैयार है, इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी है। अगर आपको लगता है कि गाढ़ा बना है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे छोटे साइज की कटोरी ले ली है, 2-3 कटोरियाँ ली हैं। उनको ग्रीस कर लिया है घी से, ऑयल से भी आप कर सकते हो। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सूखा मैदा। मैदा से इसको कोट कर लेना है चारों तरफ घुमा घुमा कर, और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको निकाल देंगे। मैदे से जो केक है वो चिपकेगा नहीं। कटोरियों को मैंने घी से ग्रीस करके मैदे से कोट कर दिया है चारों तरफ। अब इसमें मैं बैटर डाल ली हूँ, जो मैंने बैटर तैयार किया था बिस्किट का। लेकिन जो आप बैटर डालोगे वो ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। अभी ये फूल के और ऊपर आएगा, तो बैटर डालने के बाद इसको टैप कर लेंगे कि जो एयर बबल्स हैं वो ना रहें, इस तरीके से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चॉकलेट। तो यहाँ मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है, उसके 2 टुकड़े मैं अंदर डाल दूंगी। अगर आप चाहते हो कि केक में से पिघली हुई चॉकलेट निकले, तो ये जो आप टुकड़े हैं वो टुकड़े ना डाल के चॉकलेट को मेल्ट करके डालिएगा। अब थोड़ा सा बैटर इसमें और डाल देंगे। इस तरीके से मैंने चॉकलेट को कवर कर दिया है, दूसरे में भी कवर कर दूंगी। अब ये रेडी है, इसको एक बार और टैप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक भगोना लिया है, आप चाहो तो पैन भी ले सकते हो। उसके नीचे मैंने बेस पे नमक डाल लिया है। नमक डालने के बाद इसमें एक प्लेट रख दी है, आप चाहो तो स्टैंड भी रख सकते हो। अब जो गैस, दोनों कटोरियों को मैंने भगोने में रख दिया है बेक होने के लिए। गैस का फ्लेम लो रखा है। अब इसे कवर कर दूंगी थाली से। 20 से 25 मिनट लगेंगे केक को बेक होने में। 20-25 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। केक बेक हो चुका है, कटोरियों को मैंने बाहर निकाल लिया है। इसे अब रूम टेम्परेचर पे आने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। केक ठीक से बेक हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए आप एक नाइफ को इस तरीके से केक में डालिए और देखिए, अगर उसमें कुछ भी नहीं लगा है इट मीन्स कि केक बेक हो चुका है। आप चाहो तो टूथपिक की भी हेल्प से आप कर सकते हो। तो ये देखिए, केक आसानी से बाहर निकल आ रहा है क्योंकि हमने मैदे की कोटिंग की थी। अब मैं इसे डीमोल्ड कर लूँगी एक प्लेट में। देखिए आसानी से निकल आया। अगर आप मैदे की कोटिंग नहीं करोगे या कटोरी को अगर ग्रीस नहीं करोगे अच्छे से, तो जो केक है वो जल भी जाएगा और चिपक जाएगा। तो अब इसे गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉकलेट सॉस हाशे की। आप कोई भी सॉस डाल सकते हो, आप घर पे भी चॉकलेट सॉस बना सकते हो। तो इस तरीके से इसको चारों तरफ से कोट कर देंगे चॉकलेट सॉस से। तो प्रॉपर ये चॉकलेट केक बना है, अंदर चॉकलेट स्टफ है, ऊपर से हमने चॉकलेट सॉस भी डाली है, और यहाँ मैं ढक दे रही हूँ चॉकलेट बॉल। दूसरे केक के ऊपर मैंने जेम्स लगाई है, कलरफुल जेम्स से भी आप डेकोरेट कर सकते हो, या आप चेरी लगा सकते हो, तो जिस तरीके से आपको पसंद हो। बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो दोनों केक बन के रेडी है, केक बन के रेडी है। तो चलिए मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है। ये केक देखने में जितना यमी है उतना खाने में भी है, और आप आसानी से घर पे बना सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, केक कितना रुई जैसा सॉफ्ट बना है। मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ। वाओ, ये तो बहुत ही डिलीशियस है। तो देखा आपने कितना आसान है इस केक को बनाना। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। कितनी ईजी रेसिपी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे रुकिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारे नमस्कार।